यार ऐसा तो बहुत कर ली, लेकिन मेरी बॉडी बनेगी कैसे? ना तो मेरे पास सप्लीमेंट के लिए पैसे हैं, ना ही प्रोटीन। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ बे, उदास क्यों है? सप्लीमेंट के पैसे नहीं है। क्यों बे, सप्लीमेंट क्यों करना है? यार मैं एक्सरसाइज तो बहुत कर रहा हूँ, सबने कहा कि बिना प्रोटीन के बॉडी नहीं बनेगी और सब इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अबे तू टेंशन क्यों लेता है? तू बिना सप्लीमेंट के प्रोटीन ले सकता है। कैसे? बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन फूड हैं जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सच्ची? सोयाबीन? सोयाबीन? जी हाँ, सोयाबीन एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर बहुत सी वैल्यू मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। लेकिन यस, ज़्यादा सोयाबीन खाने से तो मैंने सुना है प्रॉब्लम हो जाती है। अरे यार, किसी भी चीज़ को एक्सेस में खाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी। तो फिर कितनी सोयाबीन एक दिन में हमें खानी चाहिए जो बेनिफिट दे? तुझे नहीं पता भाई, आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो भी दोस्तों तो आप समझ ही गए होंगे जो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वो क्या है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिना सप्लीमेंट की आप लोग कैसे मसल्स को गेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ सोयाबीन को लेकर। सोयाबीन एक ऐसा हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर सप्लीमेंट के इक्वल प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन वो किस लिए काम आता है, कैसे काम आता है, वो आज जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों पहले मैं बात करूँगा सोयाबीन के अंदर कितने टाइप के न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं। दोस्तों सोयाबीन के अंदर होते हैं हमारे टू टाइप के न्यूट्रिशन फैक्ट। फर्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो पहले हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर दोस्तों आपकी पाई जाती है टू कैटेगरीज, विटामिन एंड मिनरल्स। सेकंड कैटेगरीज जो हमारी होती है वो आती है हमारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, वो होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स। तो गाइस पहले मैं बात करूंगा आपसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आती है हमारी थ्री कैटेगरीज, जैसे मैंने बताया था फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। तो चलिए पहले बात करते हैं फैट को लेकर। सोयाबीन फैट में क्या रोल प्ले करता है? दोस्तों सोयाबीन फैट के लिए एक गुड सोर्स है क्योंकि इसके अंदर फैट के अंदर, जी हाँ दोस्तों फैट के अंदर इसमें आता है आपका 20 ग्राम फैट। इसमें आपकी टू कैटेगरीज डिवाइड होती है, फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। दोस्तों सैचुरेट की अगर मैं बात करूँ तो ओनली सैचुरेटेड ही आपकी कवर कर लेती है 9.5 ग्राम प्रोटीन। इसके साथ साथ जो अनसैचुरेटेड होती है उसमें आती है आपकी टू कैटेगरीज, पॉली सैचुरेटेड एंड मोनो सैचुरेटेड। जिसमें से दोस्तों पॉली सैचुरेटेड जो फैट होता है वो होता है आपका 11 ग्राम। उसके साथ साथ जो मोनो सैचुरेटेड फैट होता है वो आपका आता है 4.4 ग्राम। तो दोस्तों फैट के लिए सोयाबीन को गुड सोर्स माना गया है। अगर आप लोग पतले हैं और आप चाहते हो आपका मसल्स के साथ साथ फैट भी थोड़ा गेन हो, तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा डेली टू डेली आपको बस 25-30 ग्राम सोयाबीन आपको डेली टू डेली खानी है। क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन की अगर मैं बात करके चलूँगा तो उसके अंदर आपकी पाई जाती है 446 कैलोरी। ओके, तो ये थी हमारी फैट की बात। चलो दोस्तों हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूँ, मैं कंप्लीट बात करूँगा 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर, इसमें आपका पाया जाता है 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। इसके साथ साथ अगर मैं मेन चीज़ की बात करूँ जो होता है हमारा प्रोटीन, जो हमें मेन रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, तो दोस्तों सोयाबीन एक रिच सोर्स है प्रोटीन के केस में। क्योंकि सोयाबीन के अंदर ही आपकी 100 ग्राम में होती है 36 प्रोटीन ग्राम, क्योंकि ये एक गुड सोर्स है। सो गाइस अभी हमने बात करी थी आपसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, जिसमें आपकी आती है थ्री कैटेगरीज फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, जिसमें आती है आपकी टू कैटेगरीज विटामिन एंड मिनरल्स। तो दोस्तों अगर मैं विटामिन की बात करूँ तो सोयाबीन के अंदर आपकी फोर टाइप कैटेगरीज आती है जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन B6। दोस्तों विटामिन ए आपका पाया जाता है 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 0%। सो आप ये चीज़ भी कह सकते हैं विटामिन ए आपका नल है। इसके साथ साथ जो विटामिन सी होता है वो भी आपका सेम एज इट इज विटामिन ए की तरह होता है, जो कि 0% होता है। तो आप ये चीज़ अगेन कह सकते हैं कि विटामिन सी और ए इसमें सोयाबीन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ विटामिन डी की, तो विटामिन डी आपका होता है इसमें 10%, मीन्स विटामिन डी एक रियल रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 आपका पाया जाता है 20%। सो विटामिन के केस में आपके टू टाइप्स विटामिन आपके सोयाबीन के अंदर रोल प्ले करते हैं, जो होते हैं आपके विटामिन B6 एंड विटामिन डी। चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ा आयरन को लेकर, क्योंकि आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आयरन की अगर मैं बात करूँ, आप डेली टू डेली ज़्यादा नहीं 25-30 ग्राम सोयाबीन खा रहे हो, सो आपको 100% अगर वो प्योर है तो आपको 87% आपको आयरन मिलेगा डेली परसेंटेज वैल्यू बेस पे। अकॉर्डिंग टू साइंस आपको 87% आयरन आपको 100 ग्राम नहीं 25-30 ग्राम सोयाबीन के अंदर से मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा मैग्नीशियम को लेके, क्योंकि मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम आपका पाया जाता है 70%। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हेल्दी बेनिफिट ऑफ सोयाबीन।
सोयाबीन खाने से आपकी बॉडी में कौन कौन से हेल्दी बेनिफिट होने वाले हैं। दोस्तों पहले मैं बात करूंगा आपसे कि क्या सोयाबीन के अंदर कितने ग्राम में कितनी कैलोरीज पाई जाती है। जैसे मैंने बाकी सब बताया था आपको, हमें डेली टू डेली बेस खानी होती है आपकी 25 to 30 ग्राम सोयाबीन, बट 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर आपकी पाई जाती है 446 कैलोरीज, जो कि एक गुड है। क्योंकि दोस्तों हमें कम से कम पर डे 2000 कैलोरीज अपनी बॉडी में से बर्न करनी होती है, इसमें से 500 कैलोरीज आपको अकेला 100 ग्राम सोयाबीन ही दे देती है। चलिए तो हम बात करते हैं थोड़ा डिजीजेस को लेके। जैसे कि आप जानते हैं आज के टाइम में स्किन की डिजीज होना, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल लेवल आम बात सी हो गई है। तो दोस्तों सोयाबीन खाने से ना तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल की प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही आपको कैंसर की प्रॉब्लम होने वाली है। इसके साथ साथ सोयाबीन आपके बेनिफिट है स्किन के लिए भी। अगर आपकी स्किन डल है या फिर आपकी स्किन पे कोई पिंपल्स वगैरह या फिर कोई डिजीज से इन्फेक्टेड है, सो इस प्रॉब्लम को भी सोयाबीन खाने से आप खत्म कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं आगे स्किन के बारे में। चलो दोस्तों पहले हम बात करेंगे स्किन को लेके कि सोयाबीन खाने से आपकी स्किन में क्या इफेक्ट होंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ सोयाबीन से आपकी स्किन में क्या बेनिफिट होने वाले, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सोयाबीन के अंदर आपके होते हैं फैटी एसिड। अब आप सोच रहे होंगे फैटी एसिड होते क्या हैं। दोस्तों ये आपके आते हैं फैट की कैटेगरी में, जो आपकी फैट की अनसैचुरेटेड में टू कैटेगरीज आती है, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड। उसके अंदर ही आपकी आती है एक फैटी एसिड जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे आपकी स्किन मेंटेन रहती है, ग्लो करती रहती है। तो दोस्तों सोयाबीन के अंदर जैसे मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ फैट की टू कैटेगरीज आती है, एक होती है सैचुरेटेड, एक होती है अनसैचुरेटेड। जो स्किन के लिए काम होती है वो आती है आपकी अनसैचुरेटेड के अंदर, पॉलीसैचुरेटेड एंड मोनोसैचुरेटेड। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी फैट को लेके, अब हम थोड़ा बात करेंगे कार्ब्स और वेट को लेकर। तो दोस्तों सोयाबीन एक गुड सोर्स है कार्ब्स के लिए भी, क्योंकि कार्ब्स के लिए एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर आपके जाते हैं फैवलॉन्स जो आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं डाइटी फाइबर्स को डाइजेस्ट करने में। इसके साथ साथ सोयाबीन वेट गेन के लिए भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर आप डेली टू डेली 25 to 30 ग्राम सोयाबीन रेगुलर टू रेगुलर खाते तो मेरे हिसाब से आपको एक महीने में अच्छे से अच्छा वेट गेन हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आप थोड़ा वेट गेन कैसे होगा और कौन से बॉडी फैट पे पार्ट पे आपके सोयाबीन इफेक्ट करने वाला है। तो दोस्तों सोयाबीन कैसे इफेक्ट करता है तो सुनिए मेरी बात को। दोस्तों जैसा कि आप एक्सरसाइज करने के बाद सोयाबीन खाते हो, उसके साथ साथ जिस पार्ट की आप एक्सरसाइज करते हो सोयाबीन डायरेक्टली आपके उस पार्ट पे इफेक्ट करता है, लेकिन बट ये आपके साइड इफेक्ट भी कर सकता है। अगर आप डेली टू डेली एक्सेस अमाउंट में सोयाबीन खाते हो, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा मेरे पार्टनर ने कहा था मेरे से कि सोयाबीन खाने के साइड इफेक्ट भी होते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ को, सोयाबीन नहीं किसी भी वेजिटेबल फूड सीड को एक्सेस अमाउंट में खाओगे तो उसके साइड इफेक्ट 100% होने हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, और साथ के साथ मेरे को फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ आप मेरे को कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सीड किसी वेजिटेबल के ऊपर चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे होम स्टे हेल्दी, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों।